हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं और एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो एरेकानट का प्लांटेशन है उसका जंगल साफ़ करने के लिए मैंने दिया था, तो मैं सोच रहा था थोड़ा आप लोगों को भी मैं दिखा दूं किस तरह से मेरा जो एरेकानट प्लांटेशन का जंगल है उसको साफ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यह जो एरिया है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एरेकानट का प्लांट आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो रास्ता है, एक ये रास्ता जो यहाँ से शुरू हुआ है, इधर होके घूम के पूरा 1 किलोमीटर तक ये रास्ता मैंने बनाया है। 1 किलोमीटर तक इस सिर्फ एक ही टीला है, इधर इस साइड और उस साइड दोनों साइड ही मेरा खुद का लैंड है, तो मैं इस लैंड में कुछ प्लांटेशन करना चाहता था। तो मैंने पहले सुपारी लगाया, फिर सुपारी पेड़ों के बीच बीच मैंने बनाना भी लगा दिया है इस साल। तो चलिए देखते हैं। और अगले महीने मैंने पाइनएप्पल भी लगाने का प्लान किया है, इस जंगल को साफ कर लेने के बाद। कुछ खाली जगह भी है, उस पर मैं पाइनएप्पल लगाऊंगा। करीब 20-25 दिन बाद लगाऊंगा मैं। आज जून महीने का 26 तारीख है 2019। एक्चुअली मैंने थोड़ा देर कर दिया है जंगल साफ करने में, थोड़ा और करीब 1 महीना पहले करना था पर कुछ कारण मैं कर नहीं पाया। ये जो बनाना है, बनाना ट्रीज, इस साल मैंने लगाया था कुछ महीना पहले। ये पत्ते निकल आए हैं, ये देखिए। थोड़ा इस तरफ भी दिखा दूँ, इस साइड में भी है जो रोड से दिखाई नहीं देता है, अंदर आने के बाद ही दिखाई देता है। सुपारी का पेड़ जब तक 1.5 या 2 फुट या फिर मैक्सिमम 3 फीट तक रहते हैं, तब साल में 3 बार जंगल को साफ करना पड़ता है। लेकिन अभी तो जब बड़ा होते हैं पेड़, करीब 5 फीट 6 फीट 7 फीट, तब जाके साल में सिर्फ 2 बार साफ कर देने से ही काफ़ी है। ये मेरा 4 साल पुराना प्लांटेशन है। और ये जो जगह है इसमें जो मैंने साफ किया है, इसमें मैंने 7-8 महीना पहले ही लगाया था। वो एक छोटा पेड़ दिख रहा है सुपारी का, यहाँ पे एक है और बाद बाकी थोड़ा दूर में है इसलिए दिखाई नहीं देगा। थोड़ा इस तरफ भी दिखा दो, एक्चुअली मुझे सबसे पहले बनाना लगाना था। बनाना लगाने के 1 साल बाद या फिर एक ही साथ सुपारी भी लगाना था, तो मैं पहले पहले नया नया था, समझ में नहीं आया था क्या करूं। और दूसरे आदमी भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं। वो देखिए एक बनाना ट्री पे बनाना निकल गए हैं,
3-4 महीने पहले लगाया था, अभी तो बनाना ही निकल आ गया। कल से शुरू हुआ था काम, आज दूसरा दिन है। प्लांट्स छोटे छोटे हैं, दिखाई नहीं देगा, अगले साल दिखाई देगा दूर से। ये देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, नीचे में भी है। ओ, वहाँ पे भी एक है, यहाँ में है। जंगल की कटाई चल रहा है। ये मेरा साले साहब बैम्बू सूट तोड़ के ला रहे हैं। वैरायटी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को, यह है मिट्टिंगा और यह है मूली वैरायटी। बच्चे देख रहे हैं जंगल कटाई। तुनांगन ही शर्मा गया। करीब मुझे लगता है 10-12 दिन लग जाएगा पूरा एरिया साफ होने के लिए। यह है मालबेरी ट्रीज, मैंने कुछ मालबेरी ट्रीज लगा दिए थे, हाइब्रिड भी है लोकल भी है मालबेरी। ये देखिए जंगल कितना ऊंचा हो गया है, इसको काटना जरूरी है, नहीं तो पेड़ का ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होगा। बड़ा पेड़ों के लिए साल में 2 बार और छोटे पेड़ों के लिए साल में 3 बार जंगल साफ करना एकदम जरूरी है। जब मैं पाइनएप्पल लगाऊंगा तब मैं और एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, कौन सा वैरायटी लगा रहा हूँ, इन सब बारे में आप लोगों को मैं वीडियो के ज़रिए जानकारी दूंगा। थोड़ा इधर से दिखा दूँ, हाँ इस तरह से जंगल साफ हो के चला आएगा। करीब कितना एरिया होगा, मुझे लगता है मेरा टोटल लैंड 70-80 बीघा तो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, चांस है ज़्यादा होने का, क्योंकि पूरा 1 किलोमीटर तक दाएं बाएं पूरा का पूरा मेरा ही एरिया है। लेकिन मैं बहुत देर से मैंने प्लांटेशन किया है, पहले किया नहीं था।
यही बहुत बड़ा गलती कर दिया था मैंने। और 15-20 साल पहले करना चाहिए था। তো কে ভরে হচ্ছে দেওয়ালি বিজু ফিরিলে গেলে বাজার তোরা যাই দিয়ে বারো মাইন নন লাগে আমায় ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और एक नया वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, बाय बाय।